टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की नेहा मेहता उर्फ अंजलि मेहता जल्द ही फिल्मों में नजर आएंगी। एक इंटरव्यू में नेहा ने खुलासा किया कि शो छोड़ने के बाद उन्होंने कई टीवी शो का ऑफर ठुकराया। तो पूरी खबर जानने के लिए देखिए हमारे वीडियो लास्ट तक। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि और स्वागत करती हूँ आप सभी का मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट चैनल में। इंटरव्यू के दौरान नेहा ने बताया, शो छोड़ने के बाद मुझे दो टीवी शो के ऑफर मिले थे, लेकिन मुझे उस वक्त उन किरदारों के लिए खुद पर भरोसा नहीं था। मैंने दोनों ऑफर को ठुकरा दिया। बता दें, नेहा मेहता जल्द ही एक गुजराती फिल्म में नजर आएंगी। फिल्म की कहानी नारी शक्ति से प्रेरित है। इस फिल्म में नेहा अहम किरदार निभाती नजर आएंगी। इंटरव्यू के दौरान नेहा ने बताया, शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था और शो छोड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं और भी बहुत कुछ कर सकती थी। मालूम हो, नेहा के शो छोड़ते वक्त सेट पर कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी अफरा तफरी मची हुई थी और नेहा सेट के तौर तरीकों में बदलाव की उम्मीद कर रही थी, लेकिन ऐसा ना होने की वजह से उन्हें यह शो छोड़ना पड़ा। नेहा ने एक दिए इंटरव्यू में बताया, मैं शो में वापस आने को भी तैयार थी, लेकिन मुझे कुछ सेट के तौर तरीकों में बदलाव चाहिए था, क्योंकि आज के समय में काम को लेकर दबाव काफ़ी होता है और इन सब चीज़ों को लेकर मैं खुद पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं डालना चाहती थी, इसी कारण ये मुमकिन नहीं हो पाया। किसी भी नाम का खुलासा ना करते हुए उन्होंने कहा, कई बार चुप रहना ही समझदारी होती है। मैं ये नहीं कहना चाहती कि मैं कंपटीशन, जलन और लोगों की बातों का शिकार हुई हूँ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं उनकी कठपुतली बन जाती। उन्होंने आगे कहा, कोई भी व्यक्ति अपनी गलती नहीं मानता। शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी के सबसे पॉपुलर शोज में से एक है और इस शो ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। ऐसे में शो के कुछ चेहरे जो कई सालों से शो का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने शो को छोड़ दिया, जैसे दिशा सिंह, नेहा मेहता, निधि भानुशाली और भी अन्य सदस्य इस लिस्ट में शामिल हैं। नेहा मेहता के शो छोड़ने के बाद उनकी जगह टीवी एक्ट्रेस सुनैना फौजदार ने ली है, लेकिन सुनैना को दर्शकों के दिल में जगह बनाने के लिए अभी थोड़ा समय लगेगा। बता दें, पहले शो की टीआरपी कम हो गई थी और इसकी वजह थी जाने माने चेहरों का शो छोड़ देना। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही खबरों और सीरियल अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।